हेलो गाइस, वेलकम टू लर्निंग पावर। आज के इस सेशन में मैं DSSSB के एग्ज़ाम्स के जो सिलेबस होते हैं इसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। DSSSB मीन्स दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। दिल्ली में जो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं उसके एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए जो सिलेबस होता है उसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा दिल्ली सर्विस सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा गवर्नमेंट जॉब में नौकरी दी जाती है, एक तरह का एक सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है। आज के इस सेशन में मैं PGT, TGT और PRT जो कि टीचिंग एग्ज़ाम्स होता है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। ये सभी टीचर्स के लिए जॉब्स होती हैं। PGT का मतलब है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए ये एग्ज़ाम्स होते हैं। उसके बाद ये ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है, TGT बोलते हैं इसको, और ये प्राइमरी टीचर्स के लिए एग्ज़ाम्स होता है। इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो सिलेबस होता है उसमें थोड़ा सा का डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है, उन्हीं डिफरेंस को आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, और उसके सिलेबस को भी कैसे क्या डिफरेंस होता है PGT और TGT में, ये मैं आज डिस्कस करूंगा। सबसे पहले देखिए जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं PGT, TGT और PRT के लिए, उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है मैथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। ये जो होता है आपको 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं मैथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से, 20 मार्क्स के होंगे। उसके बाद रीजनिंग की बात करिए, टोटल आप देखेंगे ये 5 सेक्शन जो है सबके लिए समान होता है। उसके बाद सब्जेक्ट कंसर्न है, ये PGT और TGT में अलग अलग होते हैं। तो देखते हैं, तो यहाँ पे आप जब रीजनिंग एबिलिटी की बात करते हैं तो इससे भी आपके 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चंस। वंस अगेन जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ पे भी आपके 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आते हैं यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। इन दोनों टॉपिक्स के लिए भी 20 क्वेश्चंस इंग्लिश लैंग्वेज से एंड 20 क्वेश्चंस आपके हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल अगर इन 5 सेक्शंस को देखेंगे तो 100 क्वेश्चंस बनते हैं। 100 क्वेश्चंस आपके इन कॉमन टॉपिक से होते हैं। तो DSSSB में चाहे आप PGT के प्रिपरेशन कर रहे हैं या TGT का या PRT का, इसमें एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें वैरी होता है। अगर PGT की बात करेंगे तो लेवल अप होता है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो अप क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें क्वेश्चन का लेवल डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट कंसर्न एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी की। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में मीन्स की जो ग्रेजुएट होते हैं उनके लिए ये वाला एग्जाम्स होता है, और उनके लिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो 100 क्वेश्चंस होते हैं। एंड PGT की बात करेंगे तो इस पार्ट में उनसे 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 200 क्वेश्चंस का एग्जाम होता है। अगर TGT की बात करें तो इनके लिए जो टाइम दिया गया है वो 2 आवर्स दिए गए हैं, 2 घंटे में ये पूरा करना होता है। और जब बात करें इसका PGT का तो 3 आवर्स के लिए होता है, 3 घंटे में पूरा करना होता है। इनके लिए भी 2 आवर्स दिए गए हैं, 2 घंटे में ये पूरा कवर करना होता है। बात करें अगर क्वालिफाई करने की, तो इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको ये सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, और इसके लिए कट ऑफ जो होता है वो निकाला जाता है। कट ऑफ के बारे में भी मैं किसी लेक्चर में डिस्कस करूंगा। यहाँ पे बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग 0.25 जो है पर जो गलत क्वेश्चंस होंगे उनके लिए 0.25 मार्क्स कट किए जाएंगे एक गलत क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो सिलेबस में जो कॉमन टॉपिक्स हैं वो यही है आपके, और इनके लिए मैथमेटिकल एबिलिटी के लिए जो सिलेबस होता है उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा अलग अलग लेक्चर्स के माध्यम से, और आपको बताऊंगा कि आप कैसे उनका प्रिपरेशन करें। थोड़ा सा आपको यहाँ पे झलक दे दूँ कि मैथमेटिकल जो है, जिन स्टूडेंट्स का अगर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उनके लिए तो ये आसान होता है, लेकिन अगर बात करें जो हिंदी लिटरेचर से आते हैं या इंग्लिश लिटरेचर से आते हैं तो वैसे स्टूडेंट्स को मैथमेटिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी में प्रॉब्लम्स होती है। इनके लिए हमारे यहाँ बहुत सारे शॉर्टकट्स शॉर्ट ट्रिक्स बताए जाते हैं, उनके लिए हमारे जो चैनल है उस चैनल पर
मैथमेटिकल एबिलिटी के बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स दिए गए हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स दिए गए हैं मैथमेटिकल एबिलिटी के, उनको ज़रूर से ज़रूर देखें। काफ़ी आपको एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल होगा आपके लिए, बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स हैं और आगे भी बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स दिए जाएंगे कि कैसे आप, चूँकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन देखें तो 100 है और ये 100 क्वेश्चन टोटल 200 के लिए 2 आवर्स दिए गए हैं, मीन्स कि 120 मिनट में आपको करना है, 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करना है। इसके लिए क्या करना होगा आपको देखेंगे तो एक क्वेश्चन में एक मिनट से भी आधे मिनट का टाइम मिलता है, तो हाफ मिनट में आप कैसे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके लिए आपको पड़ेगी ज़रूरत ट्रिक्स की और उन्हीं ट्रिक्स को हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताते हैं। तो आप हमारे चैनल पे जितने भी लेक्चर्स दिए गए, जितने वीडियोस दिए गए हैं शॉर्ट ट्रिक्स के, वो ज़रूर देखिएगा, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। बात करते हैं डिटेल सिलेबस की, अगर पीजीटी, टीजीटी या पीआरटी का, तो हमारा वेबसाइट है learningpower.in, उस पर जा कर के आप डिटेल ज़रूर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे कि कैसे आपको कौन कौन से टॉपिक्स में क्या क्या पढ़ना है, चूँकि आप जा रहे हैं DSSSB के एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन करने और इसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहला स्टेज जो होता है वो सिलेबस ही होता है। और सिलेबस जिन स्टूडेंट का, सिलेबस जिनका कंफर्म होता है कि मुझे क्या पढ़ना है, तो वो हाफ एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर चुके होते हैं, क्योंकि पहला स्टेज सिलेबस है। अब जिन स्टूडेंट्स को सिलेबस ही नहीं पता होगा वो कैसे क्वालिफाई करेंगे, तो पहला स्टेज मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे, और ज़्यादा डिटेल्स आप मेरे वेबसाइट पे जा करके वहाँ से भी पता कर सकते हैं। और आगे के लेक्चर्स में भी मैं कैसे और सारे एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन करेंगे, उन सारे एग्ज़ाम्स के बारे में भी डिस्कस करने वाला हूँ, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के सेशन में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।